लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? बीवी की तरह तुम्हारी जेब नहीं कटवाऊंगी। बीवी मैं थक गई हूँ, प्लीज घर पे चलना। साउथ जूलरी शॉप वहाँ पे प्लीज। एक नेकलेस देखो, ये कैसा है? अच्छा पहनाओ। सामने की शॉप में देखते क्या है? क्या हुआ दीदी? मुझे लगा कि तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की के साथ। दीदी तुम्हारी ये शक करने की आदत ना बहुत ज्यादा हो रही है अभी। हमेशा आपको लगता है कि भाई साहब किसी लड़की के साथ हैं। अरे आंखों से देखा है, दिमाग से थोड़ी सोच के बोल रही हूँ। चल चल तुम्हारे। हेलो सनराइज पब्लिकेशंस। सनी सनी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं किशन। सर लेकिन आपकी आवाज कुछ अलग। सनी सुन, मेरे कैबिन का फोन मेरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप सर? मैं हूँ ना, मैं मैसेज लेता हूँ। मैं तेरी जान ले लूंगा, जल्दी से फोन ट्रांसफर कर वरना मैं तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। ओके सर, ओके ओके करता हूँ। थैंक यू। क्या कर रही हो? उनके ऑफिस में ही फोन लगाती हूँ। ऑफिस? गॉड। हाँ अभी पता चला। बीना दीदी। हेलो। हाँ किशन कहाँ हो तुम? पेरिस में, एफिल टावर से कूदने ही वाला हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो? और क्या करूँ, कहाँ फोन किया तुमने? ऑफिस में ना। अरे ऑफिस में नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? Hey, Sunny, get my file, please. हाँ बोलो काजल, बहुत काम है मुझे। ठीक है ठीक है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन किया, ऊपर से भड़क रहे हो। ओके बाय बाय। कहाँ है? वो ऑफिस में ही है दीदी। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों? अरे काम मरवाने ले आई तुम, मेरी बीवी है यहाँ। अच्छा यही मैं सोचूं, तुम गायब कैसे हो गए? गायब तो अब होने वाला हूँ, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ये जो शॉपिंग सेंटर है ना तहस नहस हो जाएगा। सॉरी बाय। अरे किशन, पता नहीं मुझे ये 2 लाख कमाने का कब मौका मिलेगा। वो बात है। क्या हुआ? ये तो इनकी गाड़ी है। अरे हाँ ये तो भाई साहब की कार है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसका मतलब है कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला है। हे, हे। मर गया, मुझे बचा ले भगवान। हाँ जी बोलो, बुलाए मुझे तुम्हें? हाँ भाई भगवान नाम है मेरा, अभी बोला ना भगवान, बोलो क्या काम है? तुम्हें नहीं भगवान, मैं ऊपर वाले की मदद मांग रहा था। फिर ठीक है। हेलो। हाँ बोलो काजल। किशन तुम अभी भी ऑफिस में ही हो ना? आके देख लो यार। नहीं मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। वो तो सिटी सेंटर के बाहर खड़ी है। क्यों? तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था जान, वहाँ कार बंद पड़ गई, ड्राइवर को भिजवाया, आते ही होगा। हाँ बोलो कहाँ भिजवाऊँ ड्राइवर को? नहीं बाबा मैं खुद यहाँ सिटी सेंटर आई थी, तुम्हारी गाड़ी देखी इसलिए पूछ रही थी। कितना शक करती हो, पूजा क्या सोचती होगी? अरे मैं शक नहीं कर, तुम्हें कैसे पता कि पूजा मेरे साथ है? कितनी भोली हो तुम, कभी शॉपिंग अकेली करने गई हो इसलिए अंदाजा लगाया? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। पहले बप्पी दो। मैं फोन रख रही हूँ किशन, बाय बाय। ए भगवान। आज तुम्हें क्या हो गया काजल? तुम्हारे प्यार में एक अजीब सी गर्मी है।
तुम यहाँ? तुम्हारी बीवी को बाहर जाते हुए देखा हा? तो सोचा ऐसा मौका फिर कब मिलेगा, आ गई अंदर हा? उसने के समंदर में एक बार गोता लगाकर तो देखो, डूब गए तो फिर कभी निकलने का दिल नहीं करेगा। तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़ी हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बड़े मस्त लगते हो। तुम जब मेरे सामने रहते हो तो मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कता है। देखो देखो, मेरी बीवी आ गई ना तो तुम्हारी मौत तो पक्की है, मुझे भी जान से मार डालेगी। मार तो होकर अपनी बीवी से इतना डरते हो? डरता नहीं हूं, प्यार करता हूं उससे। हाँ तो करो ना, 24 घंटे में से 23 घंटे उसे दो, बस एक घंटा मुझे दो, मुझे तुमसे प्यार हो गया। टाइम भी बहुत हो गया, कभी भी आती होगी वो। घर आए मेहमान से ठंडा गर्म पूछने के बजाय भगा रहे हो, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो। मैं अभी लाता हूँ। कुछ भी तो नहीं। ये कोल्ड ड्रिंक किसके लिए लाए हो? किसके लिए मतलब? तुम्हारे लिए जान, तुम्हारे लिए। धूप में से आ रही हो ना तुम? एसी गाड़ी में धूप कहाँ लगती है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे दाल में कुछ काला लगा। काजल, हम लोग तो सिर्फ पीली दाल खाते हैं, अब पीली में काला कहाँ ढूंढ रही हो तुम? और देखो तुमने भी पीला पहन रखा है, कितनी प्यारी लग रही हो तुम, बहुत प्यार करने को जी चाह रहा है तुम्हें। किशन, ये अचानक हो क्या गया तुम्हें? अचानक नहीं, जानबूझ के कर रहा हूँ। You don't know how much I miss you, darling. आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे भाई साहब, इतनी टेंशन में है प्रेम भाई और आप हंस रहे हैं? अबे तो क्या रोऊं? ये जो तुम्हारे भाई साहब है ना, ये बहुत बड़े हैं, ये वो टिपिकल शरीफ आदमी है जिसको चोरी के आम भी खाने हैं और पेड़ से गिरने से भी डरते हैं। क्या मतलब? मैं क्या बॉबी में इंटरेस्टेड हूँ? अबे पूछ रहा है बता रहा है? अरे ना पूछ रहा हूँ ना बता रहा हूँ, अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ जो उस दिन मैं तेरे साथ क्लब में आ गया और इस सिचुएशन में फंस गया। अरे काजल ने मुझे देख लिया होता ना तो मैं तो बर्बाद हो जाता। अच्छा तो फिर मैं बॉबी को फोन करके बोलता हूँ कि किशन हेट्स यू, वो घर तो क्या तेरी गली से भी नहीं गुजरेगी। अबे देख, अबे मुंह देख कितना छोटा हो गया टेंशन के मारे। एक्चुअली इस पे इसकी जो बोरिंग लाइफ है ना बहुत सूट करती है, वही ऑफिस, वही घर और वही बीवी। अबे काजल की फिक्र छोड़, बॉबी को ले बाहों में, अबे कुछ कर यार। आदमी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए और उसके ऊपर थोड़ा सा झूठ बोले तो उसकी पत्नी उसको कभी पकड़ ही नहीं सकती। दीदी, जिस दिन भी आपका ये मौन व्रत रहता है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। गोपाल दादा, आपको पता है दीदी इतना क्यों रो रही है? ये तो कल ही पता चलेगा, पिछले 7 वर्षों में इन्होंने मौन व्रत आज तक नहीं तोड़ा। दीदी मैं कल ही आती हूँ, बाय। अरे सुन दीदी, आपने मौन व्रत तोड़ दिया? अरे तोड़ना ही पड़ा, तुम्हारे भैया है ना, कल मुझसे जरूरत से ज्यादा ही प्यार कर रहे थे। ये तो अच्छी बात हुई ना? अच्छी नहीं, शक की बात है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी से प्यार करना कम कर दे या ज्यादा कर दे तो सोचो कि वो हाथों से गया। अभी मुझे उनके लिए CID बनना पड़ेगा, तभी रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। Thank you.
सर पूछ लीजिए। थैंक्स। कैसी है मेरी गुड़िया? अच्छी हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये पैसे नहीं, ये अरे रख लो ना, मैंने कहा ना किसी को पता नहीं चलेगा। ओके जी। बस मेरी इस गुड़िया का ख्याल रखना, चलो। ओके बाय बेटा। बाय। ओके सी यू। बाय। काजल, काजल वो मैं कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सब कुछ देख चुकी हूँ मैं अपनी आंखों से। कब से चल रहा है ये सब? काजल बी पॉजिटिव, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है काजल। वैसा ही है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। काजल देखो मेरी बात, बस मुझे इतना बता दो इसलिए क्योंकि मैं जानती नहीं क्या है इसमें जो मुझ में नहीं। काजल तुम होश में नहीं हो, वो एक शादीशुदा औरत है, एक बच्चे की माँ है। तो एक शादीशुदा औरत को रखेल बनाकर रखा है तुमने। तुम्हारी नजरों में एक आदमी और एक औरत का पास यही एक रिश्ता होता है ना? आओ आओ मेरे साथ, देखो पहचानती हो उसे? रामगोपाल। हाँ रामगोपाल, पिछले 8 वर्षों से हमारे अखबार में न्यूज एडिटर था ये। लेकिन जानती हो ये उल्टी सीधी पेंटिंग बनाकर अपना घर चलाने की कोशिश क्यों कर रहा? क्योंकि 6 महीने पहले एक हादसे में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए। मैंने लाख कोशिश की कि मुझसे ये ऐसी अपनी सैलरी ले जाए, मगर खुददार आदमी है नहीं माना। पैसे ना रहने की वजह से इसकी मासूम बच्ची को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब से हर महीने चोरी छुपे आता हूं ताकि इस दुखी परिवार की कुछ मदद कर सकूं। और तुमने आज शक की सारी हदों को पार कर दिया काजल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जैसी औरत के साथ शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।